अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एहसान खान अपने स्पोर्ट्स चैनल के साथ, और आज हमारे मेहमान हैं हांग कांग के बहुत ही सुपर स्टार प्लेयर्स रह चुके हैं और उनकी बड़ी खिदमात है हांग कांग के लिए, तबारक डार, इलियास गुल, अफजाल हैदर। इनसे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की और कैसे हांग कांग की क्रिकेट को ये देखते हैं आगे, और वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी इनसे बात करेंगे। जी अफजाल भाई, मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर से अटैक होता है, तो आपसे शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल, हम ऑल ऑफ फॉर जी, मैं तो आज का प्रोग्राम आपसे शुरू करते हैं जी। क्यों नहीं, टॉस हमने जीत लिया है और पिच जो है हल्की हल्की ग्रीन है। अच्छा, और नया बॉल आपको दे दिया गया है। ग्रीन ना भी हो तो ऑफ कोर्स जी अपना काम शुरू करना। तो कैसे आए और ऐसे काम, मतलब मैं हांगकांग में 2000 में आया था, फैमिली सेटलमेंट थी, ऑफ कोर्स मेरी वाइफ हांगकांग से है तो इसलिए यहां हांगकांग आया था। तो क्रिकेट खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से यहीं मूव हुआ था शादी के बाद। तो आती ऑफ कोर्स क्लब क्रिकेट की ऑफर हुई, तो सबसे पहले मैं लिटिल साइमन से खेला, क्योंकि इनकी टीम अच्छी टीम थी उस जमाने में, और लड़के काफ़ी यंग और बड़े फोकस और कमिटेड थे अपनी क्लब के साथ। इवन दो कि पाकिस्तान क्लब वन ऑफ द बेस्ट उस वक्त कंपटीशन में थी, अनडिफीटेड चैंपियन थे उससे एक साल पहले ये लोग। एक साल इनसे खेला, फिर इनके पास चला गया पाकिस्तान क्लब के साथ, गुल साहब की मेहरबानी थी, और वापस फिर पूरा सीज़न खेला इनके साथ, लेकिन कप में वापस आया था तबारक के उनकी, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लड़के छोड़ गए किसी वजह से। तो फिर वापस आया और हमने यंग टीम के साथ कप जीता, उस जमाने में कप की बहुत वैल्यू होती थी, संडे जो कप होता था, तो हम लोगों ने कप जीता। तो उसकी परफॉर्मेंस के बाद KCC ने ऑफ़र किया, क्योंकि प्रोफेशनल था मैं, क्रिकेट ही खेल रहा था, क्रिकेट पर लिविंग करनी थी, तो आई वॉज लुकिंग फॉर एवेन्यू के जहाँ से पैसे बनाए जाते। आपने जो ना क्रिकेट को स्टार्ट किया और मुख्तलिफ दो तीन क्लबों से खराब खेला। हाँ, दो साल मैं इधर खेला, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से लेकर अब तक KCC में ही हूँ, क्योंकि जिस मकसद के लिए आप किसी भी जगह खेलने जाते हो तो पहला मकसद तो आपका लिविंग होता है। लिविंग आपकी अगर अच्छी हो रही है, रीजनेबल हो रही है, तो उसके बाद आपका इशू खत्म हो जाता है। फर्स्ट चेंज, इलियास गुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इलियास गुल है, मैं हांगकांग में 1997 में आया था एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान क्लब की तरफ से ऑफर हुई थी, तो उनके लिए लोकल लीग खेलने के लिए कुछ मैचेस के लिए आया था, तो बस परफॉर्मेंस थोड़ी उस वक्त अच्छी हो गई थी, तो उसके बाद क्लब की ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। तो 1997 से मैं पाकिस्तान क्लब के साथ रहा और वहीं पे क्रिकेट खेला, प्रमोट किया क्रिकेट को भी। कब हांग कांग टीम के लिए आपने क्वालिफाई किया था? मेरा ख्याल है मैंने 2008 में 2003 में मैंने क्वालिफाई किया था हांगकांग, और उसके बाद आखिरी मैच आपका खेले 2015 में, मैं 2015 में आखिरी मैच खेले हांगकांग के लिए, हांगकांग के लिए 2010 के लिए खेले ना, आखिरी एशियन गेम खेले थे उसके बाद। एशियन गेम के बाद लास्ट ओवर किया था हमने, जब चार्ली बार गया था कोच, तो हमने और तबारक भाई को तो हम जानते हैं, इनके साथ पहले भी बात हुई है, तो लेकिन फिर हम सुनेंगे आप। मैं अभी स्टार्ट पे नहीं जाता, तो मैंने स्टार्ट किया है बेसिकली 1997 नेशनल टीम के लिए, अंडर 23 पहले खेली, उसके बाद 1998 में नेशनल टीम खेली बेसिकली, एंड देन ऑनवर्ड्स अंटिल 2011 आई वाज मेंबर ऑफ द नेशनल टीम इन डिफरेंट रोल्स। ओके, तो अफजाल भाई के साथ खेली है, इलियास गुल के साथ खेली है, और कह सकते हैं कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अच्छा, वो जो टीम और वो जो टीम होती थी 2004 में आप लोगों ने ना एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था, कैसा मोमेंट था, क्या मतलब ऐसे टीम का मोराल कैसा था जब आप लोग क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे या जो क्वालिफाई कर लिया था? नहीं, हमने क्वालिफाई किया था 2001 में एशिया कप के लिए, लेकिन एशिया कप डिले हो गया, 2002 में नहीं हुआ, फिर 2004 में हुआ। ओके, तो ऑलमोस्ट वही बैच था, उसमें मैं, नजीब और इलियास ऐड हुए थे, बाकी वही टीम थी जिन्होंने क्वालिफाई कराया था मोस्टली। 2001 में ACC ट्रॉफी में क्वालिफाई किया था, ये शारजा में हुई थी बेसिकली फर्स्ट 2001 में, राइट। और 2008 का जो एशिया कप था, क्योंकि उस 2008 का एशिया कप तो मुझे भी याद है, मैं देखा है उसको। इसमें हम लोग असल में लकी रह गए थे, क्योंकि 2001 में हमने क्वालिफाई किया था एशिया कप के लिए, दैट वाज द फर्स्ट एशिया कप। उसके बाद क्या हुआ कि 2002 में हम लोग हार गए, और 3 में भी हमने क्वालिफाई नहीं किया, ACC ट्रॉफी नहीं जीती थी बेसिकली, लेकिन क्योंकि हमने 2001 में किया हुआ था
क्वालिफाई, तो एसीसी ने डिसाइड किया कि जिन लोगों ने फर्स्ट एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है वो 2004 में खेलेंगे, तो इसलिए नेपाल ने एशिया कप कैंसिल हो गया था ना। हाँ, एशिया कप जब हुआ है तो उन्होंने बोला जो पहले क्वालिफायर थे वही खेलेंगे, लेकिन एसीसी बाद में एसीसी जो है उसमें हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके, तो सेकंड में नेपाल और यूएई क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन क्योंकि वो फर्स्ट वाला था तो हम खेल गए बेसिकली 2004 में, और फिर 2006 में हम एसीसी में रह गए थे, और लेकिन एसीसी ने डिसाइड किया था कि जो करंट टीम हुआ करेगी एसीसी की इनकेस अगर एशिया कप डिले होता है, बिकॉज इट्स ऑलवेज गेट डिलेड, तो सेकंड टाइम में जब हमने 2006 में नेपाल ने अगेन जो है वो क्वालिफाई किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एशिया कप फिर नहीं हुआ नहीं, फिर 2008 में दोबारा एसीसी ट्रॉफी हुई। नहीं नहीं नहीं, हम 2006 में क्वालिफाई कर गए थे, फाइनलिस्ट क्वालिफाई करते थे, हम फाइनल में पहुंच गए थे 2006 में, फाइनल हारे थे हम लोग, फिर हम क्वालिफाई कर गए थे। हम 2004 में एशिया कप खेले, 2006 में फिर क्वालिफाई किया, फिर 2008 वाला एशिया कप हमने खेला, 2008 में हम एसीसी चैंपियन हुए जब आप कप्तान थे। हमारा वो फर्स्ट एवर ओडीआई था हांगकांग क्रिकेट के लिए, और कोई पता नहीं था किसी को, चंद लोग थे जो खेले हुए थे, फर्स्ट क्लास खेले हुए थे, या जिन्होंने जिनका एक्सपोजर था गेम का उस लेवल का, तो इसलिए वो बहुत टफ था, लेकिन हम लकी थे, हमें बड़ा अच्छा कोच मिल गया, हमें प्रिपरेशन का टाइम अच्छा मिल गया, 3-4 टूर्नामेंट मिल गए उससे पहले, तो हमारी हमारा इट वॉज अ गुड शो फॉर अस, को हम लोगों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था उसमें। हम लोग पहला मैच हमारा था बांग्लादेश के साथ, और हम लोग हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी मैच जीतने की, कुछ वेदर ऐसा था, कंडीशन थी, बारिश थी, विकेट थोड़ा गीला था बाद में जब हम लोग बैटिंग कर रहे थे, तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने इतनी वो क्रिकेट खेली नहीं थी ना, पहली बार ओडीआई खेल रहे थे 2000, तो एक बार तो आप लोगों का एक्सपीरियंस हो गया था एशिया कप का। दोबारा एशिया कप जब आप खेल रहे थे 2008 में, उसमें कौन कौन से प्लेयर थे आपको कुछ ज्यादा याद होगा, क्या उनसे हमारी टीम में या पाकिस्तान टीम के साथ? वो टीमें तो बहुत बड़ी है ना, पाकिस्तान की टीम अभी बड़ी टीमों के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपका लेवल सेम सेम है, एक ही टीम में खेल रहे हो, एक टूर्नामेंट में खेल रहे हो, तो लेवल पर सेम हो जाता है, प्लेयर्स में फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, लेवल तो वही है एशिया कप में, लेवल तो वही है, ओडीआई स्टेटस है, नहीं ओडीआई स्टेटस का फर्क है क्योंकि वो प्रोफेशनल है, जो बंदा प्रोफेशनल होता है, जो बंदा प्रोफेशनल है और साल में 30-35 वनडे खेलता है, और जिसने 4 साल के बाद एक वनडे खेलना है, वो जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि वो क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत मुख्तलिफ होता है, और आप जितनी मर्जी आप डोमेस्टिक खेल के वहां पे जा रहे हो ना, आप टेस्ट नेशन से नहीं खेल रहे, तो हांगकांग की डोमेस्टिक बहुत अच्छी थी उस जमाने में, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको ओडीआई की प्रैक्टिस करवाए। देखिए मैं तो ये समझता हूँ, हम लोग हमारा बंच अच्छा था, मैं तो ये समझता हूँ कि जो प्लेयर होता है ना वो लेवल की वजह से प्लेयर बनता है, क्यों लेवल की वजह से बनता है कि उसका ओडीआई नेम होता है, प्लेयर तो वो है। अब जैसे कि मार्क चैपमैन चला गया न्यूजीलैंड, हांगकांग से चला गया वो उधर, लेकिन मार्क चैपमैन वन ऑफ द बेस्ट था, अभी फर्क ये है कि एक ही गया ना, ऐसा कोई प्लेयर थे जो 3-4-5 नहीं, हमारे थे बंदे, जैसे मैं लाहौर से फर्स्ट क्लास खेला हुआ था, साइड मैच खेला हुआ पाकिस्तान ए के लिए, राहुल शर्मा था उसका खेला हुआ था, तबारक अच्छी क्रिकेट खेल के पाकिस्तान में आया था, इलियास पिंडी में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के आया हुआ था, वे टू खेला हुआ था, सारा कुछ खेला हुआ था, वेल्स कप खेला हुआ है, मकसद ये था कि वो हम लोग इवन पाकिस्तान में भी वी वर नॉट डोमिनेटिंग इन डोमेस्टिक। मैं ये नहीं था कि मैं पाकिस्तान से लाहौर से खेल रहा हूँ तो मैं साल में 50 आउट करूंगा, मुझे मिलते ही 2 मैच थे फर्स्ट क्लास के, 3 मैच 2 मैच, और 2-3 मैचों में क्या करोगे आप, सीधी सी बात है, डिफरेंस जो डेफिनेटली वी हैव रीच्ड ऑन दैट लेवल, उसका फायदा हांगकांग क्रिकेट ने उठा लिया, कि जो हम लोग क्रिकेट पाकिस्तान में खेल के आते उसका फायदा हांगकांग क्रिकेट ने उठाया। फर्क ये होता है, हम लोग ने डिफरेंस पैदा कर दिया, क्वालिफाई करते हैं और आपको एक किस्म का एक रिवॉर्ड मिलता है कि आप पाकिस्तान या इंडिया के अगेंस्ट या जो टेस्ट प्लेइंग नेशन के अगेंस्ट खेलते हो, तो जब आप कम्पीट करने जाते हो तो वी गो एंड कम्पीट, देखिए नहीं जैसे कंपटीशन होता है तो वो सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम कंपीट करेंगे, विल शो गिव अवर बेस्ट, ठीक है ना, लेकिन जो रियलिटी है वो ये होती है कि दे आर देयर एंड वी आर हेयर, ओके, कि हम प्रोफेशनल नहीं है, हम वीकेंड क्रिकेटर्स थे, हमने यहाँ पे जो क्रिकेट खेलनी थी वो एक लोकल क्रिकेट है, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, जैसे हमारे फर्स्ट टाइम हमने ओडीआई के सेंटर्स देखे कि यहाँ पे टेस्ट सेंटर्स देखे कि ये ड्रेसिंग रूम होते हैं, ये ग्राउंड है, ये यू नो एलसीडी लगी हुई है, तो
हमारा तो जो बंच ऑफ जब फर्स्ट एशिया कप खेला तो काफी लड़के तो सिर्फ इसी में ही खुश थे कि हम लोग जो है वो ओडीआई सेंटर में आके क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि हम लोग यही चीज में ये मतलब सुनना चाह रहा था कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, क्या प्लेयर समझते थे। नहीं, हम लोग ने आपके ऊपर प्रेशर नहीं था क्योंकि प्रेशर क्यों नहीं था, इस पे हम बात कर सकते कि प्रेशर क्यों नहीं था आप पे। नहीं, आप प्लेयर्स के ऊपर क्यों नहीं था। आप पहले बात कर रहे थे ना कि फर्क नहीं होता, फर्क एक सडन लेवल पे फर्क नहीं होता। आप सही कह रहे थे, जैसे हमारी बॉलिंग थी तो आप समझते हैं कि आपके प्रेशर नहीं था तो उनके भी प्रेशर नहीं था। किनके ऊपर प्रेशर? हांगकांग फर्स्ट टाइम खेल रही थी और हांगकांग किसी भी जगह पे नहीं थी, लेकिन जब सेकंड टाइम खेले 2008 में तो उस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर थोड़ा बहुत होगा क्योंकि वो रिसेंटली जो है वो आयरलैंड से हारे हुए थे, दरमियान में किसी और जो छोटी टीमें थी उनसे हारे हुए थे और हमने वो थोड़ा एक्सप्लॉइट भी किया वहाँ पे जब हम गए खेलने के लिए कि हम यहाँ पे कोई हॉलीडेज मनाने नहीं आए, वी विल कम्पीट। और हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया था 2004 में और उससे पहले हमने प्रिपरेशन में लाहौर में मैचेस भी खेले। नहीं, लेकिन जब हमने जो क्रिकेट खेली है ना 2004 के एशिया कप से लेकर 2008 के एशिया कप तक बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हम लोगों ने एज ए एसोसिएशन। हम लोगों ने फास्ट ट्रैक के लिए क्वालिफाई किया, फास्ट ट्रैक के हमने 3 डे मैचेस खेले, हमारे 3-4 टूर्नामेंट हुए ICC के अच्छे स्टैंडर्ड के जिन्होंने हमने हम लाइक वी वर द टीम इन द कंपटीशन के। बाकी टीमें एक घबराई होती थी कि हांगकांग की टीम है क्योंकि हमारी टीम का मिक्स बड़ा अच्छा होता था। हमारी टीम में सारी नेशनैलिटी थी जो एशिया पे किसी टीम के पास नहीं थी। हमारी टीम में ऑस्ट्रेलियन, साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश, इंडियन, पाकिस्तानी, हम सारे इंग्रेडिएंट पूरे होते थे क्रिकेट के और हमारी बॉलिंग एक्सेप्शनल थी एसोसिएट लेवल पे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास हमसे अच्छी बॉलिंग थी। हमारे पास 3 बहुत अच्छी क्वालिटी के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ठीक है, कि जो किसी भी कंडीशन में किसी भी एशियन कंडीशन में लेफ्ट आर्म जो स्पिनर थे वो कौन-कौन थे। हमारे पास नजीम था पहले, नजीब उसके साथ था, नजीब बहुत एक्सपीरियंस था, नजीम बहुत डिफरेंट किस्म का बॉलर था, मुनीर ने बाद में ज्वाइन कर लिया, मुनीर डार, तो ये क्वालिटी स्पिनर थे अपने खासकर एशिया में क्रिकेट खेलने के लिए उस जमाने में। और इन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया साहब, और हमारे पास नया बॉल करने के लिए हमेशा बॉलर थे कि नया बॉल हम करके 2 आउट करके देते थे इनको। तो उस टाइम भी आप समझते हैं कि जैसे जो स्पिन आपकी बॉलिंग थी वो मैच को ग्रिप करती थी। आपको दरमियान में कंट्रोल सारा स्पिन करते हैं, जो दरमियान में जो मिडल ओवर्स में जो मैच कंट्रोल करते हैं आपके स्पिनर्स ही करते हैं बेसिकली जनरली। नहीं, होता क्या है ना, एशिया की बात कर रहे थे, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि 2004 के एशिया कप में जो इसी तरह हम होटल की लॉबी में घूम रहे थे तो शुएब अख्तर और मोइन खान सामने बैठे हुए थे, तो वैसे तो हमारी आपस में काफ़ी गपशप ही है, इधर उसके लिए आते थे सिक्सेस के लिए तो उसकी वजह से भी, तो शुएब तो खैर था ही अपना घर का आदमी जैसे आप समझ लो। तो प्रेशर की आप बात करो, मैं सिर्फ एक चीज़ शेयर करना चाहती, तो उस वक्त हम गुजर रहे थे तो मोइन खान और शुएब अख्तर ने, मेरे साथ खालिद खान था, तो उसने बुलाया, उसने बोला यार तुम इस तरह इधर घूम रहे हो, तुम्हें कुछ पता है तुम सुबह क्या करने जा रहे हो? तो खालिद खान ने बोला सुबह हमारा मैच है, हम मैच खेलने जा रहे हैं। फिर मोइन खान ने बोला कि तुम्हें पता है कि तुम हिस्ट्री में आ जाओगे, मतलब कि लोग इस चीज़ के लिए तरसते हैं कि एक दफ़ा ODI खेलने के लिए कंट्री का जो है ना वो शर्ट पहनने के लिए, और आप लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, हमारे साथ आपका सुबह मैच है। तो मेरे से पूछा, मैंने भी यही बोला जी वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियस, जस्ट अ गेम, जो हमें जो भी हमें एक्सपीरियंस है हम कल आपको ग्राउंड के अंदर दिखाएंगे, शो करेंगे। तो इट वाज लाइक शॉक के जी आप जिस तरह के, उसका कहने का मकसद है कि जिस तरह टीमें पैनिक होती हैं जब प्लेयर को हमने कल शुएब अख्तर को फेस करना है या हमने कल फलां बॉलर को फेस करना है, तो हमने इस किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया था। वो स्टेट अब गए, पहला मैच ODI खेले और हमने तो ऑलमोस्ट बांग्लादेश को नीचे लगा दिया था, 100 एंड समथिंग 167 पे 7 आउट थे उनके, 140 समथिंग के। हाँ, और नीचे ऐसे भी शुएब अख्तर तो उसका करीबी दोस्त था, तो 2004 में रात को जाते ही जब वो होटल में पहुंचे तो इसने जाके उसके रूम में उसको मना कर दिया कि तुमने हमारे खिलाफ नहीं खेलना। नहीं, वो एक बड़ा तो वो इसने जो है वो ऑलरेडी ये फिक्स कर दिया था इसने। हमारे पहुंचने से पहले होटल में पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी थी, तो उसने शुएब ने जाके रिसेप्शन में पूछा कि
हांगकांग की टीम आ गई है तो उन्होंने बोला सर कि फलान टाइम पे वो पहुंच रहे हैं, तो उसने एक नोट लिखी उधर हमारे मेरे और नासिर अमीद के नाम पे छोड़ दिया। अच्छा जी। तो जब हम पहुंचे हम उन्होंने हमें अच्छा वेलकम रिसेप्शन वगैरह किया, तो उसके बाद उन्होंने बोला जी इलियास गुल साहब कौन है, तो मैं बता कि ये आपके नाम है। बोला यार इधर श्रीलंका में पहली दफ़ा आए हैं तो मेरा तो कुछ जानने वाला नहीं है, तो ये क्या है। खैर नहीं भाई हम बैठे थे, मैंने देखा तो उसने दो चार मुझे गालियाँ शालियाँ दी, तो अपना रूम नंबर लिखा तो कहने लगा कि उधर आ जाओ। तो अब ये उस वक्त ये भी एक किस्म का रिकॉर्ड ही था कि एक ही क्लब के तीन लड़के जो है ना वो खेल रहे थे एशिया कप में। अच्छा, इस बार भी एक ही क्लब के तीन लड़के थे एशिया कप। इस बार भी थे जो पाकिस्तान के खिलाफ हम मैच खेले ना। हाँ। एक ही क्लब के चार लड़के एक ही क्लब के खेले। ओके जी, मैं एक और बात पढ़ी, एक मैंने फनी स्टोरी सुनी है। नहीं, सबसे मैं एक बताता हूँ, जब हम एशिया का फर्स्ट टाइम किया, हमने क्वालिफाई किया है, तो उसमें फर्स्ट टाइम हमारे जो है वो कलर क्लोथिंग जो है ना बन रही थी। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत वेट किया कि आ रही है, तो जाने से मैं एक दो दिन पहले आई सारी वो बन के, कहीं से कहाँ से बन के आई वो। जब बन के आई तो सब ने शर्टें वगैरह देखी और जो ट्राउजर देखे, उसके बाद देखा कि वो शर्ट तो चलो ठीक थी, वो सॉफ्ट ट्राउजर की थी, सॉफ्ट कपड़े की बनाई हुई थी, लेकिन जो ट्राउजर थे वो जो बैंड मास्टर्स ने पहने होते हैं टाइट बिल्कुल जो है ना, वो ड्रेस ट्राउजर वाला फैब्रिक था, नॉन स्ट्रेची। हाँ, नॉन स्ट्रेची। बिल्कुल टाइट जो है ना वो स्ट्रेट कट के साथ बनाया हुआ बेसिकली। तो वो आ गया सब, स्पेशली जब फास्ट बॉलर देख रहे कैसे करेंगे, क्या होगा। सुबह जो है ना वो एक तो गर्मी वहाँ पे इतनी ज्यादा थी और वो ट्राउजर हमें मिल गए, और मैंने ग्लिन को कहा कि ये क्या दिया है ना आपने पहनने के लिए, तो मुझे कहने लगा कि पीछे मेरे खालिद खान खड़ा था, तो खालिद खान बोला तो कहला ये बैंड वाले का ट्राउजर है। तो वो मुझे बोलता है अच्छा नहीं, रात को अब वो दे तो दिए, अब दे दिए उन्होंने, अच्छा वहाँ पे जाके श्रीलंका में जाके देखेंगे क्या होता है। अब रात को जो है ना मैं नासिर अमीद के रूम में गया, तो नासिर अमीद ने सारा कुछ पहना हुआ है, कहता यार देखो, कहता स्ट्रेच नहीं हो रहा, ये कहाँ तक जाएगा, क्या होगा। उस रात को लाल जिया सिंह को कह के रिक्वेस्ट करके फिर ट्राउजर मंगवाए। एक फनी स्टोरी मैंने सुनी है जो मतलब बैटिंग से रिलेटेड है। कुछ सुना है इलियास भी को बैटिंग नहीं मिलती थी काफी दिनों से, मुझे देखो ना बैटिंग नहीं देते, तो वो जरा बताए ना जी क्या स्टोरी थी वो। नहीं, वो हम लोग थ्री डे क्रिकेट हम खेल रहे थे उस जमाने, तो प्रैक्टिस मैच के लिए हम लोग दो रोज़ा भाई खेले थे श्रीलंका में, मलेशिया में खेले थे जा रहे, उससे पहले प्री टूर के लिए गए श्रीलंका हम लोग। तो अब मैं कप्तान था उस टूर में, तो मुझे कहीं से आवाज़ आई जी गुल साहब कह रहे हैं हमारे कोच को जी मुझे, वो मैं बैट्समैन हूँ, ओपन करता था, अच्छा खासा बैट्समैन था, मुझे बहुत नीचे बारी मिल रही है आजकल। तो हमारा पहला मैच था, वो पहली इनिंग में उनके बॉलर काफ़ी तेज थे, तो उन्होंने काफ़ी हलाया हुआ है हमारे बैट्समैन ने कहा अच्छा मैच खेला हम लोगों ने, क्योंकि टीम हमारी भी काफ़ी अच्छी थी इस टूर पे। तो सेकंड इनिंग जब आई उसी मैच में, तो मुझे याद था कि गुल साहब ने कंप्लेन की हुई है, मैंने कहा चलो ठीक है, बॉलर काफ़ी तेज थे, मैंने बॉलर के पास गया, मैंने कहा जो हमारा बंदा है ना ओपनर सेकंड इनिंग में आएगा वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो बड़ी चिकट खेला पाकिस्तान में, और आप जैसे बॉलर ना वो पहले इनिंग में उस बंदे ने चार आउट किए हुए थे, तो मैंने कहा वो आप जैसे बॉलरों को तो फ्रंट आधी विकेट पर आके खेलता है, तो पीछे बोलना करना उसको। उसमें गुस्सा वाला डराया, तो कमरे में आया मैंने रॉबिन को बोला, मैंने क्या कि हम लोग प्रैक्टिस के लिए आए, तो वाई नॉट वी सेंड इलियास गुल एंड इरफान अहमद ऑन ओपन। तो कहते नो नो इट्स ओके यू नो ही इज़ फाइन एट द मिडल ऑर्डर, मैं कहने उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं शरारत के तौर पर, क्योंकि ये कह रहा था कि मुझे बारी नहीं मिलती, मैंने कहा चलो तो मैं उसके सामने बारी देते हैं। उसने पुसलियाँ सेकी थोड़ी सी दोनों की। ये था हमारा कोई प्रिपरेशन टूर पे गए हुए थे, प्रैक्टिस था, और आफ्ताब हबीब था कोच था। अब ये उस वक्त इसकी बैटिंग आती थी बहुत एंड पे, यानी ये सातवें आठवें नंबर पे खेलता था बेसिकली, तो नेट में मोस्टली जो है वो टॉप ऑर्डर्स बैटिंग करते थे और ये लोग बॉलिंग करते रहते थे। अब नेट सेशन भी हमारा कोई 3-3 घंटे का कोई इतना लंबा चलता था। अब लिहाज आया मेरे पास, कहता है ये हमको इधर सिर्फ जो है वो गेंद पकड़वाने के लिए बुलाया हुआ है, हमको भी बारिश वारी गुआओ, मैच पढ़ते हैं तो हम फंस जाते हैं, मैच तो हम ही निकालने होते हैं। मैंने कहा अच्छा मैं बात करता हूँ उस आफ्ताब से, मैंने कहा आज तो टाइम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे हम वापस आए ना ट्रेनिंग पे उसी नेट्स में ना, तो मैंने कहा आफ्ताब को मैंने कहा बैटिंग करवानी है ना, तो
इधर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं और उधर मलिंगा आ गया अपने कोच के साथ जो है ना, शायद इंजरी में नहीं, पीक में नहीं था, इंजरी उसको इंजरी हुई थी, इंजरी के बाद वो आ रहा था प्रैक्टिस करने के लिए, तो आया तो उसने अपनी आके वो बॉलिंग साइड में ना बॉलिंग शुरू कर दी उसने, तो आधा घंटा तकरीबन वो बॉलिंग करता रहा खुद से ना लाइट, तो उसने कहीं आफ्ताब को कहा कि जो है ना मैं अपना पहले करूंगा नेट में बॉल, और अगर तू उसके बाद जो है ना अपने दो बैट्समैन अगर करना चाहते हैं नया बॉल तो तू भेजना, तो मैं उनको बॉलिंग करूंगा नए बॉल से ना। अच्छा, तो आपने मुझसे पूछा कि किसको जो है बैटिंग करवानी है ना तो मुझे याद था कि इली ने मुझे कहा हुआ है कि बैटिंग करनी है, तो मैंने कहा एक तो जेमी को भेजो क्योंकि ओपनर है वो कर लेगा, और दूसरा मैंने कहा इली को भेजो क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की हुई है बैटिंग करनी है, तो मैं इली के पास गया, मैंने कहा इली तो आपने कहा पैड अप, तो इली आया थोड़ी देर बाद में कहता है पैसे तुम लोग मुझे बैटिंग नहीं देते, आज तोपा लगिया है तो मैनू भेज रहे हो हुआ क्या नेट सेशन शुरू होने लगा ना, आफ्ताब भाई आए जी, आफ्ताब बच्चे ओके यू आर गोइंग नेट नंबर 1, यू आर गोइंग नेट नंबर 2, तो मुझे आके कहता इलियास गुल यू आर गोइंग टू फेस मलिंगा, मैं कह जी वेल डन भाई जान सही टक रहे हो मेरे आगे, पहले मेरे से पहले वो रॉय नेट कर रहा था उसको चंगी उसने सेती कॉल आउट कर दिया था मार मार के, मैं बारह दो चार को शॉर्ट शूट खेल के अपना मतलब है कि मैंने बोला यू आर सेटिस्फाइड, तो क्या लगा अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी अगला सेशन रहता है, तो उसके बाद जो उसने हमारी हालत की ना भगा भगा के वो मुझे नहीं भूलती आज तक, उस गर्मी में ऑलमोस्ट हम डेड हो गए थे, इतना उस बंदे ने हमारे साथ ज्यादती की। चले जी किसने आफ्ताब ने, वो दूसरे ग्राउंड में थी वो, तो वो उसी में, और जिस दिन नासिर गिर गया था नहीं, वो स्टेडियम में गिरा था नासिर। अब एक थोड़ी सी वर्ल्ड कप से रिलेटेड बात हो जाए, आप तीनों का क्या ख्याल है जो वर्ल्ड कप में जो टॉप की चार टीमें वो कौन सी है? उसमें डेफिनेटली इंग्लैंड होस्ट है, कंडीशन का बहुत अच्छा है, समय उनकी टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, इंग्लैंड द बेस्ट टीम, इंडिया इज नंबर 2, उनका भी जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जितनी क्रिकेट खेल के आए हैं वो आईपीएल का बहुत बड़ा एडवांटेज है उनको, और उनको बड़ा आइडियल किस्म का उनको स्केड्यूल मिला है, बड़े आइडियल किस्म की उनको क्रिकेट मिल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने मैच खेला, ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बॉलर है मेन क्रिकेटर हैं दे डिडंट गिव 100%, तो नजर आ रहा है कि फेवर मिलती है इन टीमों को, बड़ी टीमों को फेवर मिलती है, दे आर बिग टीम, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंडिया और इंडिया और कौन सी टीम को देख रहे हैं? चौथी का एंड तक नहीं पता चलेगा, न्यूजीलैंड का काफी चांसेस है, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम लाइक बांग्लादेश, टीम लाइक पाकिस्तान, टीम लाइक न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज के इनमें से एक कोई भी टीम कमबैक कर सकती है किसी वक्त भी। जो तो टीमें आपको नजर आ रही है जो पॉइंट्स टेबल के अंदर वो तो टीमें आपके सामने ही है, मेरी नजर में चौथी टीम जो है ना मुझे पाकिस्तान तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह यह कि पाकिस्तान को बहुत कुछ करना पड़ेगा और फिर हम एंड ऑफ द डे लेफ्ट राइट एक्स वाई जेड के उधर देखते हैं तो वो नहीं होने वाला इस दफ़ा, मेरे हिसाब में चौथी टीम मेरी नज़र में मुझे न्यूजीलैंड नज़र आ रही है चौथी टीम इस वर्ल्ड कप में, ये चार टीमें जो है सेमीफाइनल में जाएंगी। अच्छा, तो ये इंडिया पाकिस्तान से मैच के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, शॉर्ट बात हो जाएगी, तो थोड़ा पुराना हो गया वो मैच, उस मैच में जो सरफराज ने टॉस जीत के बैटिंग दी और दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड था, तो उससे आप क्या समझते हैं वो कैसा डिसीजन था? देखो सरफराज का डिसीजन नहीं था, मैनेजमेंट का डिसीजन था, और ऑफ कोर्स क्योंकि जितने मैच बारिश की नज़र हुए हैं इंग्लैंड में, जो वेदर वहाँ पे चल रहा है, हर टीम प्लानिंग यही करती है कि हम डकवर्थ लुईस का फायदा उठाएं, टॉस जीत के हर कोई भी टीम है, मेरा ख्याल वो असूल तो बनता था कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, उनको इररेलेवेंट वेदर को देखने नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो देखे कंडीशन के हिसाब से खेल रहे थे, 90% पाकिस्तान चेजिंग में अच्छा नहीं है, नहीं इन्होंने जो पिछला मैच इंडिया से जीता था फाइनल जीता था उसका चैंपियंस ट्रॉफी का, वो पहले ही खेल के रन ऑन बोर्ड ऑलवेज मैटर इन शॉर्ट फॉर्मेट, लेकिन इन्होंने ये बहुत टेक्निकलिटीज में चले गए थे, उस टेक्निकलिटीज का नुकसान हुआ, नेशनल गेम खेलते अपनी अपने आप, मेरे हिसाब से आप फ्रेश माइंड के साथ जाके खेलो बजाय इसके कि आप अपने आप को
इस सिचुएशन में डालो कि अगर बारिश होगी तो ये हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो गया, आप ये नहीं देखोगे आपके दो विकेट गिर गए तो आपका कहाँ से कहाँ चलेगा। आपको अगर मैच इस किस्म का जो हाई प्रोफाइल और यू नो जो इसमें हाइप क्रिएट होती है पाकिस्तान इंडिया मैच में, अगर आप ब्रेव क्रिकेट नहीं खेलते ना या ब्रेव डिसीजन नहीं लेते तो बहुत मुश्किल होता है मैच जीतने का। और ये इनका डिसीजन ब्रेव डिसीजन नहीं था, कि ये थोड़े से थे कि हो सकता है विकेट में मॉइस्चर हो क्योंकि एक दो दिन से ढकी हुई है, तो इस वजह से बैटिंग नहीं की टॉस जीत के। हालांकि आपने टॉस जीता है तो जो इनिशिएटिव आपके पास है, कंट्रोल आपके पास है, एंड दे हैव गिवन अवे दैट कंट्रोल। तो थोड़ा वीक डिसीजन था कि पहले बैटिंग ना करने का मेरे ख्याल में, क्योंकि डरे हुए थे कि हो सकता है कि हम 200 पे आउट हो जाएं तो वो इजी चेस कर जाएंगे, तो इसलिए प्रोबेबली। और दूसरा वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे सरप्राइजिंग जो चीज़ इसमें थी ना कि आपके जितने भी बड़े कमेंटेटर हैं, स्पेशली पाकिस्तानी कमेंटेटर, अब वसीम अकरम जैसा बंदा ग्राउंड में मौजूद है जो उस कॉन्टे के लिए 10 साल लगातार खेल रहा है उस ग्राउंड में, ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट के ऊपर, उस ग्राउंड को वो जितना वो जानता है कोई भी नहीं जानता। उस बंदे ने 10 दिन पहले बोल दिया था उस मैच के पाकिस्तान पहले बैटिंग रेट आज के, फिर उन्होंने स्पेशली मिला जाके इनको इनको बोला है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग, टॉस जीत लिया तो पहले बैटिंग करना, क्योंकि ये उस विकेट को कुछ नहीं होता। इंग्लैंड में इस वेदर में फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बारिश का होता है लेकिन अदरवाइज विकेट कवर्ड होती हैं, अदरवाइज विकेट बहुत अच्छी बैटिंग विकेट हैं, 300 हो रहे हैं। कल भी आपने देख लिया, सिंपल एग्जांपल कल रात को मिल गई आपको कि बांग्लादेश की टीम ने 41 ओवर में चेस कर दिया 321। हांगकांग की जूनियर टीम जो जा रही है अभी अंडर 19 में, क्या समझते हैं आप लोग कि उसमें कौन से ऐसे प्लेयर हैं 4 से 5 के जो जाके हांगकांग के लिए कोई लंबे अरसे के लिए खेल सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, और उनके लिए क्या इस टूर्नामेंट में उनको क्या करना चाहिए? हांगकांग में जो करंट अंडर 19 टीम है उसमें प्लेयर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, उसमें 5-6 अच्छे क्रिकेटर हैं, लॉन्ग रन जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी हांगकांग की रही है जो अच्छे प्लेयर हैं उन्होंने 16 साल के बाद स्टडी के लिए बाहर चले जाना, क्योंकि जब स्टडी के लिए बाहर जाएंगे वो तो 4-5 साल के लिए उनकी क्रिकेट जो है वो लिमिटेड हो जाएगी। डिपेंड करता है वो कहाँ जाते हैं, अगर तो इंग्लैंड या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो क्रिकेट चलती रहेगी, लेकिन अगर वो अमेरिका जाते हैं कि जो बेसिकली मोस्टली जो अगर फिनांस वाले बंदे वो अमेरिका जाते हैं, और ये मोस्टली जो इंडियन बच्चे हैं, आदित हो गया, कलन हो गया, रूश हो गया, इन्होंने 1-2 सालों में निकलना है स्टडी के लिए, जब ये निकलेंगे तो वापस कहाँ आएंगे, ये वो क्या नाम है जो स्पिनर है बारा रौनक, हाँ वो ये 5-6 जो आप समझते हैं कि ये अगर कंटिन्यू रखें इसी तरह जैसे ये खेल रहे हैं। नहीं, टैलेंटेड टैलेंट इससे इस एज ग्रुप पे लेवल का जो टैलेंट होता है ऑलमोस्ट सेम होता है हर जगह पे, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 19 लेवल के, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया, चाहे हांगकांग, टैलेंट सेम होता है, एप्लीकेशन डिफरेंट होती है ना। इनको कितनी क्रिकेट मिल रही है, इनको 10 मैच मिल रहे हैं, 12 मैच मिल रहे हैं सीजन के। आप पाकिस्तान में कितने मैच खेलते हो अंडर 19 के? मेरे ख्याल में जो डिफरेंस है ना वो आता है कि इनको कितना एक्सपोजर मिला होगा, लेकिन अभी जो टीम जा रही है इनको लास्ट टूर्नामेंट जो खेले अंडर 19 का वही मैचेस खेले हुए इन्होंने, उसके बाद एज अ टीम इन्होंने कुछ नहीं खेला हुआ। तो जब हमारी सबसे स्ट्रांग टीम थी जिसमें ये जेमी, नदीम, इरफान और ये लोग खेल रहे थे, और ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया, नज़ाकत एक वर्ल्ड कप क्वालिफाई किया था इन्होंने 2013 में, उस वक्त क्या था कि जब ये अंडर 19 टूर्नामेंट खेलने गए थे और अफगानिस्तान को इन्होंने फाइनल में हराया था और क्वालिफाई किया था, उस वक्त ये लोग एटलीस्ट 10 से 12 टूर्नामेंट खेल चुके थे अंडर 13 से अंडर 19 तक पहुंचते नहीं कि नहीं, नहीं खाली, खाली अंडर 19 के क्वालिफायर के 2 टूर्नामेंट थे और उसमें 12-12 मैच थे, ठीक है, कनाडा वाला और अफगानिस्तान वाला। इन बच्चों ने जो है वो अपनी क्रिकेट, फिर हम न्यूजीलैंड गए थे, न्यूजीलैंड में हमारा टीम हमारा कितना था उसका, एक 30 डेज का टूर था हमारा, 30 डेज में हमारे 6 प्रैक्टिस मैचेस थे। ओके, हांगकांग टीम के लिए क्या बेस्ट विशेज है, क्या आप कहते हैं कि क्या करना है? नहीं, बेस्ट विशेज हमेशा बेस्ट विशेज होती हैं, वो तो उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग हांगकांग क्रिकेट का इतना इनर पार्ट हैं, हम लोग हर जगह पे इन्वॉल्व हैं, जैसे मैं और तबारक सेलेक्टर हैं, उससे पहले हम लोग कोचिंग में थे, कोच रहे हैं दोनों, ये हमेशा टीम के साथ पहले प्लेयर थे, फिर एज ए मैनेजर गए हैं, असिस्टेंट कोच बन के गए हैं टूर्स के ऊपर, तो हमारी फिलिशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारी हमेशा बेस्ट विशेज होती हैं, चाहे आप लोग जो इतना मर्जी गंद करके आओ, वो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको क्या वैल्यू करते हैं, क्योंकि आप लोगों की ये लिविंग है, ब्रेड एंड बटर है आपका, जो आप लोग खेल रहे हो ना आपको इसको वैल्यू नहीं कर पा रहे समहाउ, आपको वैल्यू करना है कि यार मेरी ये लिविंग है, इससे अच्छी लिविंग मैं क्रिकेट से बाहर कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी आपकी स्किल वही है,
स्किल के ऊपर बंदा कमाता है ना जिंदगी में पैसा, आपकी स्किल वही है। अगर रहना आपने हांगकांग में है तो फिर आपको उसके साथ जस्टिस करना चाहिए, और अगर आप लोगों ने इसके अलावा लिविंग कर सकते हैं तो फिर जो मर्जी करें। मुझे तो लगता है कि जो इनका जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम जो है ना वो हांगकांग क्रिकेट की, वो तो मुझे सेम लग रही है जैसे पाकिस्तान की है क्योंकि इधर भी पाकिस्तानी काफी हैं नेशनल टीम में, और जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है वो सिमिलर प्रॉब्लम इनको भी हो रही है मेरे ख्याल में। एक्चुअली मेरे लिए तो एक शॉकिंग बात थी कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद 3-4 साल से आप लोग जो है ना मौजूदा टीम और जो यल थी इकट्ठे खेल रहे थे, परफॉर्म भी अच्छे कर रहे थे, और इतनी मतलब है कि बुरी परफॉर्मेंस आप वहाँ पे करके आए, ओडीआई स्टेटस गया, फंडिंग गई, तो ऑब्वियसली ये जब चीज़ें आपको 3-4 साल पीछे ले गई क्रिकेट को आपकी, ठीक है। तो जब हम क्रिकेट खेलते थे अफजाल भाई, जब भी हम वाटर ब्रेक कुछ होती थी तो हम यही कहते थे, मैं बैटिंग कर रहा हूँ या तबारक या, तो हम यही कहते यार स्टार्ट विद द जीरो अगेन, कि जो अभी जो 40-50 आपने कर दिया उसको भूल जाओ, नाउ स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब हांगकांग क्रिकेट ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है, और टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग जो मतलब है कि बता रहे थे जो जो एक्सपर्ट जो टीवी में या जो भी हम देख रहे थे उसके मुताबिक तो उनकी नज़र में हांगकांग जो थी वो फेवरेट टीम थी नीबीबिया के लिए, तो ये तो हमारे जहन में ही नहीं था कि पहला मैच जीतने के बाद अगले चार मैच हार जाएगी टीम। तो आप वहाँ पे थे, आपको ज़्यादा बल्कि इस चीज़ का पता होगा, कंडीशन ऐसी थी या टीम को एकदम से पता नहीं क्या हो गया और उसका नुकसान स्ट्रेट अवे क्रिकेट को तो हुआ ही हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को भी जो है ना वो फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ का। अब आपको फिर अगेन वो हमारे सबसे बड़ा नुकसान इनका जो हुआ है, इन्होंने अपना तो नुकसान किया, इन्होंने जो अगले अंडर 16 वाले बच्चे उनका बहुत नुकसान किया, क्योंकि हम लोगों ने क्रिकेट बना के दी थी नेक्स्ट लेवल के जो ग्रुप था, जो 2010 वाला अंडर 19 वर्ल्ड कप खेली थी टीम, हमने उनको क्रिकेट डिवीजन 3 में दी थी ले जाके, तो उनके लिए बड़ा इजी था कि उसको डिवीजन 3 से 1 में लेके जाना, बिकॉज उनको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिला था और उनके साथ थे सपोर्ट करने के लिए, खेलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, और उन सबको खिलाया, अपॉर्चुनिटी दी, और हमारे टीम में जो जूनियर्स आते थे हम बड़ा वेलकम करते थे, उनको हेल्प करते थे उनको कि यार जहाँ जहाँ उनको ऑन द फील्ड क्या हेल्प कर सकते हैं, और हमारा कभी कोई मेजर इशू नहीं हुआ, ठीक है, कभी टूअर्स के ऊपर लड़ाई झगड़ा बहस मुबैसा लाइकिंग डिसलाइकिंग, लाइक तुम्हारे कप्तान रहे, इलियास गुल कप्तान रहे, ऑन ऑफ मैं रहा हूँ टूअर्स पे, छोटे टूअर्स के ऊपर, लेकिन मेन इन्होंने कप्तानी किया, टूर्नामेंट्स में दोनों ने की है, कभी क्लेम नहीं किया तीसरे बंदे ने यार ये कोई कप्तान है, जो नहीं जो मकसद क्लेम करता था उसको कप्तान बना देते थे। एक और प्रोग्राम के साथ हम इनके साथ आएंगे, और अभी हमें इजाजत दीजिए और इंशाल्लाह हम मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच तबारक भाई, इलियास भाई, वेलकम, थैंक यू, शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों को बुलाएंगे और इसी तरह गपशप लगी रहेगी, आप लोग से इम्पोर्टेंट कुछ मालूमात लेते रहेंगे हम लोग। ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।